हेलो एवरीवन, वी आर हियर फॉर प्रैक्टिशन ऑफ मास्टर कैडर केमिस्ट्री। अज असी स्पैक्ट्रोस्कोपी पार्ट टू करांगे। पार्ट वन असी कर लिया, उहदे च आपां इंट्रोडक्शन कीती सीगी। ठीक है, स्पैक्ट्रोस्कोपी एक अजिहा चैप्टर है जिहदे विचों 6 या 7 नंबर दे क्वेश्चनस आउंदे आउंदे आ पेपर च, तो इहदी बहुत ज़्यादा वेटेज है मास्टर कैडर दे एग्जाम दे पॉइंट ऑफ व्यू तो। सो अज आपां अगे पढ़दे हाँ। गुड सॉल्वेंट की होंदा है? गुड सॉल्वेंट वो होंदा है कि जिवें इट शुड नॉट अबजॉर्ब द यूवी रेडिएशन इन सेम रीजन ऑफ सबस्टांस। कदें भी आपां इहो जिहा सॉल्वेंट यूज़ नहीं करना जदों आपां स्पैक्ट्रोस्कोपी करनी है किसी सबस्टांस की, किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड की। आपां कोई भी इहो जिहा सॉल्वेंट नूं यूज़ नहीं करना जिहदी यूवी रेडिएशन सेम रीजन दे विच ही होवे, जिहड़ी रीजन दे विच सबस्टांस है। ठीक है, इट शुड हैव नो इफेक्ट ऑन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एन अब्जॉर्प्शन बैंड। कदें भी इहो जिहा सॉल्वेंट यूज़ नहीं करना जिहदे नाल कि जिहड़ा जिहड़े सबस्टांस की आपां स्ट्रक्चर फाइंड करनी है या फिर आपां उहदा नेचर फाइंड करना है कि उहदे स्ट्रक्चर ते ही इफेक्ट पा जाए उह सॉल्वेंट, ते आपां नूं पता ही ना चल पाए कि एक्चुअल दे विच उह सबस्टांस सी की। ठीक है, इट शुड नॉट चेंज द वेवलेंथ ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ एनी अब्जॉर्प्शन बैंड। हुण देखो, आपां किसी भी जिहड़ा कोई कंपाउंड आ उहदी आइडेंटिफिकेशन आपां वेवलेंथ दी अब्जॉर्प्शन दे अकॉर्डिंग करते हैं। अगर कोई आपां इहो जिहा सॉल्वेंट यूज़ कर लिया जिहदे नाल वेवलेंथ ही चेंज होगी तां फिर तां अपना परपज़ ही पूरा नहीं होना। तां आपां इहो जिहा कोई सॉल्वेंट भी यूज़ नहीं करना जिहदे नाल वेवलेंथ चेंज हो जाए। ठीक है, नैक्सट है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस दियाँ टाइप्स केड़ियाँ केड़ियाँ? पहली टाइप है सिग्मा सिग्मा स्टार, दूसरी है सिग्मा पाई स्टार, तीसरी एन सिग्मा स्टार एंड पाई पाई स्टार एंड एन पाई स्टार। ये सारियाँ पॉसिबल ट्रांजिशंस है जिहड़ियाँ पॉसिबल हैगियाँ। ये अपने कोल डायग्राम है, ये जिहड़ा सिगमा हैगा वो बॉन्डिंग हुंदा है, सिगमा स्टार एंटी बॉन्डिंग है एंड एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार बॉन्डिंग पाई एंड जो एन है वो नॉन बॉन्डिंग हुंदा है। ट्रांजिशन इस तरह पॉसिबल है, एन टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है, एन टू सिगमा स्टार इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर सकता है, ये ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकती है, ये वाली हो सकती है पाई टू पाई स्टार सिगमा टू सिगमा स्टार। हुण आपां इन्हां नूं 1 by 1 डिस्कशन करांगे। ठीक है, तां की हुंदा है कि जिहड़ी सिगमा सिगमा स्टार है उहदियां प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करदे हां। फस्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन्स आर इनवॉल्वड इन सिगमा फॉर्मेशन इन सैचुरेटड हाइड्रोकार्बन्स। पहलां तां है जिहड़ी सिगमा सिगमा स्टार ट्रांजिशन उह हुंदी की है? सिगमा सिगमा ट्रांजिशन उह हुंदी है जिहदे विच इलेक्ट्रॉन सिगमा बॉन्डिंग ऑर्बिटल तो सिगमा स्टार मतलब सिगमा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स तक एक्साइट कर जाते हैं, उन्होंने आप कह दें सिगमा सिगमा स्टार ट्रांजिशन। हुण सिगमा तो ही आपां नूं क्लीयर है कि इहदे च किहड़े कंपाउंड आ जाएंगे सिगमा सिगमा स्टार ट्रांजिशन दे विच, उही होणगे जिन्हां च सिगमा बॉन्ड होगा। तो सिगमा बॉन्ड फॉर्मेशन किन्हां दे विच पॉसिबल है? सिगमा बॉन्ड फॉर्मेशन होंदी है सैचुरेटड हाइड्रोकार्बनस दे विच। तां सिगमा सिगमा स्टार दे विच जिहड़ियां एग्जाम्पल्स आपां नूं अगर एग्जामिनर पुछ लैंदा कोई एग्जाम्पल दे के, मान लो उहने एग्जाम्पल देती मिथेन दी, नीचे उन्हें ऑप्शनस देतियां थोनों सिगमा सिगमा स्टार पाई पाई स्टार, ये किड़ियाँ जिड़ियाँ ट्रांजिशनस है वह मिथेन दे लिए पॉसिबल है। तो सिगमा सिगमा स्टार जी ट्रांजिशन है वह मिथेन दे लिए पॉसिबल हैगी है। ठीक है, क्योंकि सिगमा इलेक्ट्रॉन्स जेडे कंपाउंड हो ही सिगमा सिगमा स्टार ट्रांजिशन शो करेंगे, दे रिक्वायर वेरी हाई एनर्जी। तो सिगमा सिगमा स्टार जी ट्रांजिशन है उन्हों अकर करन दे लिए बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की जरूरत पैंदी है। थर्ड पॉइंट है ट्रांजिशन अकर एट शॉर्टर वेवलेंथ एंड हाई फ्रीकुएंसी। हुण जिहड़ी फ्रीकुएंसी ते वेवलेंथ एक दूजे दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुंदी है, जेकर ट्रांजिशन है जिहड़ी शॉर्ट वेवलेंथ ते अकर करदी है दैट मीनस उहदी फ्रीकुएंसी है जिहड़ी उह बहुत हाई होगी। एग्जाम्पल्स है इहदियां मीथेन प्रोपेन एंड साइक्लो एल्केन्स।
ठीक है, तां जिहड़ी मीथेन हैगी है, मीथेन अबजॉर्ब करती है, अबजॉर्प्शन शो करती है एट 125 नैनोमीटर ते, एंड जो प्रोपेन है वो अबजॉर्प्शन शो करती है 135 नैनोमीटर पर। एंड अगर आप साइक्लोअलकेन के कंपैरिजन च अलकेन की गल करिए ता की होंगे, जिहड़ियां साइक्लो अलकेन्स है वो जनरली हायर वेवलेंथ ते अबजॉर्ब करते हैं, ठीक है, दैन देयर कोरसपोंडिंग चेन आइसोमर। अगर आप गल करिए प्रोपेन की तो साइक्लो प्रोपेन की, तो दोनों के विच की फर्क होगा, जिहड़ी साइक्लो प्रोपेन है उसकी वेवलेंथ दी जिहड़ी अबजॉर्प्शन वेवलेंथ है वो हायर होगी दैन दैट ऑफ प्रोपेन। रीज़न इन दे विच की होंगे, रीज़न होंगे एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन की करती है कि जिहड़ी ग्राउंड एनर्जी लैवल है साइक्लिक हाइड्रोकार्बनस का, एंगल स्ट्रेन की वजह के नाल साइक्लिक हाइड्रोकार्बनस का जिहड़ा ग्राउंड स्टेट एनर्जी लैवल है वो हायर हो जाता है एज़ कंपेयर टू सैचुरेटेड एनालॉग्स। अंडरस्टैंड, नैक्सट चलते हैं। नैक्सट है एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। एक कंपाउंड है जेडी एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, वो कंपाउंड शो करते हैं जेडे जिन्हें ऑक्सीजन हुए, कोई हैट्रो एटम हुए। हैट्रो एटम केड़े होंगे है, ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, इन्हों आप हैट्रो एटम्स का नाम दें। कंपाउंड्स विच कंटेन हैट्रो एटम्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, ठीक है। एग्जाम्पल्स इन दियाँ की हो गया, हैट्रो एटम्स वाली ही होनगियाँ, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल्स, ईथर्स, अल्काइल हलाइड्स, अमाइनस, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन शो दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन। सॉरी, इतने ट्रांजिशनस है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, गलती ना टाइप हो गया। एल्कोहल, ईथर, अल्काइल हलाइड्स, अमाइन, एल्डिहाइड, कीटोन शोज दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशंस। अगर क्वेश्चन एग्जाम दे विच आया होया मास्टर कैडर दे विच के एक आपां नूं दित्ती हुई है, एग्जाम्पल दित्ती हुई है क्वेश्चन दे विच, लाइक आपां इत्थों दस दिंदे हां कि अमाइन्स शोज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन। थले ट्रांजिशंस दियां एग्जाम्पल्स दित्तियां हुई हैं, लाइक ए ऑप्शन सिग्मा स्टार, बी ऑप्शन एन सिग्मा स्टार, एंड सी ऑप्शन पाई पाई स्टार। तो इन्हां दे विच एक ऑप्शन चूज करनी है। हुण तुसीं देखो कि किहदे विच आउंदी है, ये आउंदी है एन सिग्मा स्टार दे विच, तो तुसीं चूज करोगे ऑप्शन एन सिग्मा स्टार, ठीक है। लोअर एनर्जी है जिहड़ी वो घट होंदी है एज़ कंपेयर टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ये कि घट एनर्जी तो हो जाती है सिग्मा स्टार के कंपैरिजन। एनर्जी रिक्वायर डिपेंड्स ऑन द इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ऑफ हैट्रो एटम, जिहड़ी एनर्जी रिक्वायर होंदी है आपनूं इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ते डिपेंड करती है, हैट्रो एटम जिहड़ा अटैच है उसकी कितनी को इलैक्ट्रोनैगेटिविटी है उस पर डिपेंड करती है कि एनर्जी इस ट्रांजिशन की कितनी ज़्यादा होगी। तो इलैक्ट्रोनैगेटिविटी फिर रिलेटेड है वेवलेंथ के नाल, जिन्नी ज़्यादा इलैक्ट्रो नैगेटिविटी घट होगी, लोअर द इलैक्ट्रोनैगेटिविटी, हायर द वेवलेंथ ऑफ अबजॉर्प्शन। तो ये अगर आप गल करिए जिमें इलैक्ट्रोनैगेटिविटी के बेस पर ही आप गल करते हैं, जिमें मिथाइल क्लोराइड के मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। तो क्लोराइड के आयोडाइन दे विच्चों लाइक आप गल कर लिए सी एच 3Cl एंड CH3 iodide, ठीक है। इन दोनों का जेकर आपस कंपैरिजन करिए जी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी है क्लोरीन की वो ज़्यादा है आयोडीन के नाल, इलैक्ट्रोनैगेटिव रोल प्ले करती है वेवलेंथ के उपर, ठीक है। सिमिलरली अगर आप अमाइन्स की गल करिए तो अमाइन्स के केस दे विच की होंदा है कि जिहड़ी लोंगर वेवलेंथ है अलकोहल्स की अगर आप अलकोहल्स ते अमाइन्स का आपस दे विच कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तो की होंदी है जिहड़ी अलकोहल्स है वह घट वेवलेंथ शो करते एज़ कंपेयर टू अमाइन्स,
ठीक है, तो देखो जेकर आप एग्जाम्पल ले लिए, हम देखो जी एन एच थ्री है, लाइक सी एच थ्री ओ एच है एक साइड पर, ठीक है, दूजी साइड पर अपने को ट्राई मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन, ठीक है, अमाइन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन दे नालों, तां आपां की कह सकते हैं ये प्रैक्टिकली ये होंदा या कि जिहड़ा इहदी एब्जॉर्प्शन जो होंदी है 195 नैनोमीटर ते, एंड ट्राईमिथाइल अमाइन की जिहड़ी एब्जॉर्प्शन है वो शो होंदी है 273 नैनोमीटर ते, ठीक है। तो ये जिहड़ी एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशनस है, ये स्टार ट्रांजिशन नेम तो ही आपां नूं क्लीयर है कि किन्हां दे विच होणगीआं, उन्हां कंपाउंड्स दे विच ही होणगीआं जिन्हां दे विच अनसैचुरेशन होगी, लाइक डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा, या फिर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या फिर एरोमैटिक कंपाउंड्स दे विच ट्रांजिशनस जिहड़ीआं वो शो होंदीआं, ठीक है। सेकेंड है कि दे रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी सो दैट अकर एट शॉर्ट वेवलेंथ, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्हों चाहिए है, सो यह शॉर्ट वेवलेंथ पर अकर कर जाती है। एग्जाम्पल इन्हों इथाइलीन एंड एसीटाइलीन, इथाइलीन एंड एसीटाइलीन। हम अगर आप गल करिए इथाइलीन एंड एसीटाइलीन, जो सैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड केटोन्स है वो भी शो करते हैं पाई पाई स्टार ट्रांजिशनस नू, ठीक है। तो जिहड़े सैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड केटोन्स है वो शो करते हैं एब्जॉर्प्टिविटी एट 185 नैनोमीटर, एंड इथाइलीन एंड एसीटाइलीन ये शो करते हैं अप्रोक्सीमेटली 175 नैनोमीटर के एब्जॉर्प्शन। एंड जो सिंपल एलकाइनस है ट्रिपल बॉन्ड वाली एलकाइनस वो शो करती हैं 170 नैनोमीटर दे उपर अब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑन डबल बॉन्ड प्रोड्यूस अ बैथोक्रोमेटिक शिफ्ट ऑफ 5 नैनोमीटर, अगर डबल बॉन्ड दे उपर कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो जूगी, मतलब जिहड़ी शिफ्ट है लोअर फ्रीकुएंसी टू एंड लोंगर वेवलेंथ, शिफ्ट है जिहड़ी लोंगर वेवलेंथ हो जू तो 5 नैनोमीटर वो वध जूगी, 5 नैनोमीटर शिफ्ट का फर्क पै जाता है, 5 नैनोमीटर जिहड़ी वेवलेंथ है वो इनक्रीज़ हो जाती है अगर अल्काइल ग्रुप लग्या होवे डबल बॉन्ड दे उपर, ठीक है। नैक्सट ट्रांजिशन है जिहड़ी वो हैगी है एन पाई स्टार, तां एन पाई स्टार जिहड़ी ट्रांजिशनस है वो शो हुंदी है ऑल ऑरगैनिक कंपाउंड्स हैविंग डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड सम हैट्रो एटम्स, डबल बॉन्ड होएगा अगर कार्बन ते कुछ हैट्रो एटम्स दे विच तां ये ट्रांजिशन है जिहड़ी वो शो होगी, फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, शोज दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशंस। नेक्स्ट है ये अपने को ऑर्डर है, थोड़ी जी डायग्राम धुंधली है बट मैं बोल के दस दिनी हाँ, ये जिहड़ा ऑर्डर है यह एनर्जी का ऑर्डर है, जिहड़ा सिगमा सिगमा स्टार है वह हायर एनर्जी शो करता है दैन सिगमा पाई स्टार, दैन पाई पाई स्टार, एन सिगमा स्टार एंड एन पाई स्टार। इन तुसी पूरी ट्रांजिशनस का निचोड़ भी मन के चल सकते हो कि जेकर सिगमा सिगमा स्टार ट्रांजिशन हुई है तो आपां नूं पता है कि वह अलकेन्स दे विच होगी, ठीक है। सिगमा पाई स्टार ट्रांजिशन कार्बोनाइल कंपाउंडस दे विच हुंदी है, ते पाई पाई स्टार ट्रांजिशन है जिहड़ी वह अलकीनस कार्बोनाइल कंपाउंडस अलकाइनस एज़ो कंपाउंडस एंड सो ऑन इन्हां दे विच हुंदी है। एन सिगमा स्टार जिहड़ी ट्रांजिशन है वह हुंदी है इन हाइन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर एंड हैलोजनस, ते जिहड़ी एन पाई स्टार है वह भी हुंदी है कार्बोनाइल कंपाउंडस दे विच। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन है,
ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸਿਓ। ਯੂ ਵੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਆਫ ਅਸਟੈਲਡੀਹਾਈਡ ਸ਼ੋਜ਼ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਬੈਂਡਸ ਡਿਊ ਟੂ, ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸਟੈਲਡੀਹਾਈਡ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਬੈਂਡ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਇਫੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋਲਵੈਂਟ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐੱਨ ਪਾਈ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਐੱਨ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ, ਸੋਲਵੈਂਟ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਪਾਈ ਪਾਈ ਸਟਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੋਲਵੈਂਟ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਐੱਨ ਪਾਈ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਐੱਨ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਰ ਹੁੰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ 'ਤੇ, ਮੋਰ ਪੋਲਰ ਇਨ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਲੈੱਸ ਪੋਲਰ ਇਨ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ। ਲੈਸ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈੱਸ ਪੋਲਰ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੋਰ ਪੋਲਰ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੋਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਡਾਈਪੋਲ ਡਾਈਪੋਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਪੋਲਰ ਸੋਲਵੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਲੋਅਰ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ, ਲੋਅਰ ਐਨਰਜੀ ਇਨ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ, ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿਚਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐੱਨ ਪਾਈ ਸਟਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਐੱਨ ਅਤੇ ਪਾਈ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਲੀਡਸ ਟੂ ਦਾ ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ਿਫਟ ਟੂਵਰਡਸ ਸ਼ੋਰਟਰ ਵੇਵਲੈਂਥ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ਿਫਟ ਸ਼ੋਰਟਰ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੇ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਾਈ ਪਾਈ ਸਟਾਰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ। ਪਾਈ ਪਾਈ ਸਟਾਰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰ ਪੋਲਰ ਹੋਊਗਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੈੱਸ ਪੋਲਰ ਹੋਊਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਪੋਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਊ ਟੂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੋਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਡਾਈਪੋਲ ਡਾਈਪੋਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਿਦ ਪੋਲਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡ ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਂਗਰ ਵੇਵਲੈਂਥ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਸੋਲਵੈਂਟ ਇਫੈਕਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਐੱਨ ਐੱਨ ਪਾਈ ਸਟਾਰ, ਐੱਨ ਤੋਂ ਪਾਈ ਸਟਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐੱਨ ਤੋਂ ਪਾਈ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਰ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਲੈੱਸ ਪੋਲਰ ਹੈ, ਐਂਡ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੋਂਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੋ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਪਾਈ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਈ ਪਾਈ ਸਟਾਰ ਲੈੱਸ ਪੋਲਰ ਮੋਰ ਪੋਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈੱਸ ਪੋਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐੱਨ ਪਾਈ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਐੱਨ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਾਰਬੋਨਾਈਲ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਉਹ ਲੈੱਸ ਪੋਲਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਸੋਰੀ ਮੋਰ ਪੋਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈੱਸ ਪੋਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੈੱਸ ਪੋਲਰ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਮੋਰ ਪੋਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟਮ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਬੋਨਾਈਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈੱਸ ਪੋਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਸੀਟੋਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਐਸੀਟੋਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ
एक नॉन पोलर सॉलवेंट दे विच आपां रखदे हां जिवें एसीटोन नूं हैगजेन दे विच रख लिया तो उत्थे 279 लैमडा मैक्स शो करूगा ते उही उसी उही जेकर आपां नूं किसे पोलर सॉलवेंट दे विच रखांगे तां जिहड़ी लैमडा मैक्सिमम है उह डिक्रीज़ हो जाती है 264.5 ही रह जाती है। ठीक है तां पोलैरिटी दे अकॉर्डिंग की होंदा हुण देखो जे तां हैगजेन लिया सीगा हैगजेन लैण की वजह नाल की होया सी हैगजेन लैण की वजह नाल एसीटोन अपना कंपाउंड है। ठीक है हैगजेन लिया हैगजेन लैण की वजह नाल अपने कोल पोलैरिटी मतलब अब्जॉर्प्शन शिफ्ट आई है 279। जे वाटर लिया वाटरलैस पोलर है ठीक है तो वाटर दे केस दे विच अब्जॉर्प्शन शिफ्ट आती है 264.5। हुण तुसीं देखो जिहड़ी लैमडा मैक्स की वैल्यू घट रही है ना डिक्रीज़ कर रही है जे लैमडा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है दैट मीनस डिक्रीज़ वह क्यों कर रही है क्योंकि पहला तो नॉन पोलर रहा सी फिर पोलर ले लिया तो जिवें जिवें पोलैरिटी आई जाऊगी लैमडा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज़ कर दी जाऊगी। ठीक है हुण जे आपां अरेंज करना होवे कि एक अपन दिता हुआ वाटर दूसरी चीज़ दिती है मिथेनोल तीसरी दिती हुई है इथेनोल एंड लास्ट क्लोरोफॉर्म CCl4। तो जे इन्हां दी अरेंज करनी होवे आपां पोलैरिटी तो वाटर मोर पोलर है मिथेनोल उस तो ज़्यादा दैन इथेनोल दैन क्लोरोफॉर्म डन। तो नैक्सट है अपने कोल क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर की है कि क्रोमोफोर दे विच जिहड़ा फंक्शनल ग्रुप है वह की करता है इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशनस नूं ऑबजॉर्ब करता है। ठीक है और सैकेंड थिंग की है कि यह कलर मे नॉट इम्पार्ट कलर टू द कंपाउंड मतलब कलर वो किसी कंपाउंड नूं दे भी सकता है तो नहीं भी दे सकता है। एग्जाम्पल की है एग्जाम्पल ये है कि कार्बोनाइल ग्रुप है जिहड़ा वो अब्जॉर्प्शन शो करता है एट 279 नैनोमीटर ते अदर एग्जाम्पल्स इहदियां आ जांदियां डबल बॉन्ड डबल ट्रिपल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स एस्टर्स अमाइड्स एसिड क्लोराइड्स नाइट्रो ग्रुप्स एरोमेटिक कंपाउंड्स अंडरस्टैंड। नैक्सट जो है वो हैगा कि कोई भी ऑक्सोक्रोम दे केस दे विच कोई भी करैक्टरिस्टिक अब्जॉर्प्शन 200 नैनोमीटर तो ज़्यादा तो नहीं शो होंगी हर जिहड़ी अब्जॉर्प्शन है 200 नैनोमीटर ते शो होगी बट अगर आपां कोई क्रोमोफोर उहदे नाल अटैच कर दिंदे आ तां जिहड़ी तां की हुंदा जिहड़ी शिफ्ट है अब्जॉर्प्शन शिफ्ट वो लोंगर वेवलेंथ तक शिफ्ट कर जाती है। ठीक है ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਓ ਐੱਚ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਓ ਆਰ ਲੱਗਿਆ ਐੱਨ ਐੱਚ ਟੂ ਲੱਗਿਆ ਐੱਨ ਐੱਚ ਆਰ ਐੱਨ ਆਰ ਟੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐੱਸ ਐੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ ਔਗਜ਼ੋਕ੍ਰੋਮ ਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਔਗਜ਼ੋਕ੍ਰੋਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬੈਥੋਕ੍ਰੋਮਿਕ ਸ਼ਿਫਟ ਐਂਡ ਹਾਈਪੋਸੋਕ੍ਰੋਮਿਕ ਸ਼ਿਫਟ ਇਹ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਫਟਸ ਹੈ ਬੈਥੋਕ੍ਰੋਮਿਕ ਸ਼ਿਫਟ ਹਾਈਪੋਸੋਕ੍ਰੋਮਿਕ ਸ਼ਿਫਟ ਹਾਈਪਰਕ੍ਰੋਮਿਕ ਸ਼ਿਫਟ ਐਂਡ ਹਾਈਪੋਕ੍ਰੋਮਿਕ ਸ਼ਿਫਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦੂੰਗੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬੈਥੋਕ੍ਰੋਮਿਕ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੈਥੋਕ੍ਰੋਮਿਕ ਸ਼ਿਫਟ ਲੋਂਗਰ ਵੇਵਲੈਂਥ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰੈੱਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਟੈਚ ਆਪਾਂ ਔਗਜ਼ੋਕ੍ਰੋਮ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਔਰ ਬੈਨਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਇਹ ਅਚੀਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਏ ਦਾ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਬਾਏ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਹਾਈਪੋਸੋਕ੍ਰੋਮਿਕ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਰ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲੂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਔਗਜ਼ੋਕ੍ਰੋਮ ਕਾਰਬੋਨਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹਾਈਪਰਕ੍ਰੋਮਿਕ ਸ਼ਿਫਟ ਐਂਡ ਹਾਈਪੋਕ੍ਰੋਮਿਕ ਸ਼ਿਫਟ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਪਰਕ੍ਰੋਮਿਕ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹਾਈਪਰਕ੍ਰੋਮਿਕ ਸ਼ਿਫਟ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਮੋਲਰ ਅਬਜ਼ੋਰਪਟੀਵਿਟੀ, ਐਂਡ ਇਹ ਬੈਥੋਕ੍ਰੋਮਿਕ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬੈਥੋਕ੍ਰੋਮਿਕ ਸ਼ਿਫਟ ਅਕੰਪਨਡ ਬਾਏ ਹਾਈਪਰਕ੍ਰੋਮਿਕ ਸ਼ਿਫਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਈਪੋਕ੍ਰੋਮਿਕ ਸ਼ਿਫਟ, ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਮੋਲਰ ਅਬਜ਼ੋਰਪਟੀਵਿਟੀ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਹਾਈਪੋਸੋਕ੍ਰੋਮਿਕ ਸ਼ਿਫਟ ਅਕੰਪਨਡ ਬਾਏ ਦ ਹਾਈਪਰਕ੍ਰੋਮਿਕ ਸ਼ਿਫਟ, ਮਤਲਬ ਹਾਈਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਪੋਕ੍ਰੋਮਿਕ ਸ਼ਿਫਟ ਆ ਉਹ ਹਾਈਪੋਸੋਕ੍ਰੋਮਿਕ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਮੈਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੈਥੋਕ੍ਰੋਮਿਕ ਸ਼ਿਫਟ ਇਜ਼, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅ ਸ਼ਿਫਟ ਆਫ ਲੈਮਡਾ ਮੈਕਸ ਟੂ ਦਾ ਲੋਂਗਰ ਵੇਵ ਲੈਂਥ, ਅ ਸ਼ਿਫਟ ਆਫ ਲੈਮਡਾ ਮੈਕਸ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੋਰਟਰ ਵੇਵ ਲੈਂਥ, ਐਂਡ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਐਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਐਨ ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਵਿਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਇਟਸ ਮੋਲਰ ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਇਹਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ, ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੋਮੋ ਅਤੇ ਲਿਊਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਮੋ ਐਂਡ ਲਿਊਮੋ, ਹੋਮੋ ਅਤੇ ਲਿਊਮੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਮੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਮੋ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਅਕਿਊਪਾਈਡ ਮੋਲੀਕੁਲਰ ਔਰਬਿਟਲ, ਐਂਡ ਲਿਊਮੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਐਸਟ ਅਨਅਕਿਊਪਾਈਡ ਮੋਲੀਕੁਲਰ ਔਰਬਿਟਲ। ਅੱਗੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਜੇ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਹੋਮੋ ਅਤੇ ਲਿਊਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਂਗਰ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਰਬਿਟਲਸ, ਲਾਈਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਇਸ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਐੱਚ ਟੂ ਡਬਲ ਬੋਂਡ ਸੀ ਐੱਚ ਟੂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 175 ਨੈਨੋਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਗੈਪ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ 217 ਨੈਨੋਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੀ ਐੱਚ ਟੂ ਡਬਲ ਬੋਂਡ ਸੀ ਐੱਚ ਸੀ ਐੱਚ ਸੀ ਐੱਚ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਂਗਰ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਤੱਕ ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਥਾਇਡੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਊਮੋ ਅਤੇ ਹੋਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਊਟਾਡਾਈਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੋਂਡ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਗੈਪ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਤਿੰਨ ਡਬਲ ਬੋਂਡ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਜ਼ਾਟ੍ਰਾਈਨ ਦੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਓਕਟਾਟ੍ਰਾਈਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੈਪ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਰੀਅਲੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ